इंसान मन के साथ संगत जीना और आकर के साथ के बाद जैसे दास जी का आदेश है कि ये ब्लड है नालियों में ना बहकर नाड़ियों में बह ये मानवता की सेवा के लिए खूनदान किया जाता है। क्या देखते हैं कि ब्लड देने से बचते हैं, उनको क्या संदेश? ब्लड देने से एक तो शरीर तंदुरुस्त रहता है, ब्लड देने से डरना नहीं चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। ये हमारे हिंदुस्तान के हर जगह लिखा होता है खून दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। और मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि मैं छोटा ही था और हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो एक बार मैं ये नीचे हॉस्पिटल था वहाँ पे गया, एक औरत नीचे लेटी हुई है, डॉक्टर उसको देख नहीं रहा है, तो मैंने पूछा ये क्या बात है, ऐसे जज्बा था, मैंने पूछ लिया डॉक्टर से। डॉक्टर बोलती है कि इसको ब्लड चाहिए और ब्लड देने वाला कोई नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं ब्लड दे दूं तो है भी आप छोटे हो, मैं कुछ नहीं होता। मैंने उस औरत को ब्लड दिया और ब्लड दिया, वो औरत बिल्कुल ठीक हो गई, उसके घर बेटी हो गई, वो आज तक मुझे याद करती है। और ये मैंने एक दो बार नहीं, मैंने बड़ी बार किया है कि जब किसी को ज़रूरत पड़े आदमी ने काम आना चाहिए। और हम ऐसे जैसे इन्होंने बोला महाराज जी ने कि दंगे फसाद करके नाले नालियों में जो खून बहाना है तो कोशिश करो कि उन लोगों को दो जिन लोगों को बेचारों को ज़रूरत है, और ये ज़रूरत देने से ज़्यादा लेने वालों को है। आप ये देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटलों में 10 बोतलें होती हैं और ब्लड 100 लोगों को चढ़ना होता है लेकिन वो पूरा नहीं होता है। अगर ऐसा ही हमारे लोग, हमारी ये संस्था जैसे संत निराकारी भवन वाले जो ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि परमात्मा इनको और शक्ति दे और इससे बड़ा काम करवाएं ताकि हमारे लोगों का भला हो और इससे सारी दुनिया का भला हो। संत निराकारी मिशन है जो दुनिया भर में फैला हुआ है और हमारे भारत में भी 3000 से ज़्यादा इसकी ब्रांचेज हैं, और ये रक्तदान जो कैंप है हर साल लगाए जाते हैं और आज तक जो 10 लाख से भी ज़्यादा लगभग 12 लाख के लगभग यूनिट जो है ये मिशन ब्लड डोनेट कर चुका है। इसी तरह जो हमारी ब्रांचेज हैं जैसे कठुआ है, इस तरह जम्मू है, तो यहाँ कठुआ में आज ये कैंप लगाया जा रहा है, हर साल यहाँ ये कैंप लगाते हैं और ये प्लानिंग जो हम करते हैं उस समय ये कैंप हर साल कठुआ में लगाते हैं। 2 साल कोविड के दौरान जो कैंप हम नहीं लगा पाए, छोटे छोटे कैंप फिर भी हम लगाते रहे और जो मेडिकल हॉस्पिटल की जरूरत है उसको पूरा करते रहे। आज यहाँ कठुआ में यह कैंप लगाया जा रहा है,
देश भर में तो 500-600 से भी ज़्यादा कैंप हम लगाते हैं। तो यहाँ जे एंड के में भी हम लगभग हर महीने एक या दो कैंप लगाते हैं, और हमारा कोई भी कैंप जो है वो 150-100 प्लस होता है। इस तरह के हमारे जो अपने स्वयंसेवक हैं, जो हमारे सत्संगी लोग हैं, वो आके बांट देते हैं। तो ये निकारी मिशन जो है मानवता को समर्पित है, ये सर्वसांझा भाईवाली का मिशन है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। मिशन का स्लोगन है कि जो नर पूजा है, नर सेवा है, नारायण पूजा है। नर की जो सेवा है, मनुष्य की सेवा, वही परमात्मा की पूजा है, बंदगी है। नर में नारायण को देखो, ये मिशन का स्लोगन है। तो मिशन के जो हमारे रहनुमा हैं, सतगुरु हैं, माता सुदीक्षा जी महाराज, उनका ये आदेश है। बाबा हरदेव सिंह ने भी ये बात कही थी, जो ब्लड है, खून है, इंसान की नाड़ियों में जाए, नालियों में ना जाए। दंगे फसाद करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो खून हम बहाते हैं, वो नालियों में ना बहाएँ। जो मनुष्य का खून है वो इंसान की नाड़ियों में जाए, रगों में जाए, ताकि किसी की जान बच सके। तो ये मिशन का जो मेन काम है वो तो एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। अध्यात्मिक मिशन है, एक ईश्वर को जानो, एक ईश्वर को मानो, फिर एक हो जाओ। ये इसका मिशन है, एक इनका लक्ष्य है। उसके साथ जितने ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे कोई और कुदरती आपदा आती है, ब्लड आ जाता है, किसी तरह के भी इस तरह के मौके आते हैं, तो मिशन आगे होता है। आज आप सभी जहाँ आए हो, सब मीडिया वाले, आपका शुक्रिया है, क्योंकि मीडिया का ऐसा साधन है जो इस तरह की जो जागृति है दुनिया में ला सकता है। और आप, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ऐसे जो मानवता को समर्पित लोग काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, ताकि हर इंसान के अंदर ये